आपका स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी आईएएस जर्नी में। और आज हम ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी का सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं। इसका हमारा पहला टॉपिक है सौर मंडल। तो प्राचीन जो पौराणिक कथाएं थी रोमन लैंग्वेज में, उसमें सोल का जिक्र होता था, सोल शब्द का, जिसका अर्थ होता था सूर्य देवता। वो अपने सूर्य देवता के लिए सोल शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। इसी से हमारे सूर्यमंडल का नाम यानी कि सौर मंडल का नाम सोलर सिस्टम पड़ा। तो सोल अर्थात सूर्य के देवता। और आपने एक शब्द पढ़ा होगा ज्योमेट्री, आप ज़्यादातर ये शब्द सुनते रहते हो, जो कि दो ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज्यो के पीछे लॉजी लगाओगे तो जियोलॉजी यानी कि पृथ्वी से संबंधित जो भी अध्ययन होता है उसे जियोलॉजी कहेंगे। ज्योमेट्री अर्थात पृथ्वी का मापन, पृथ्वी में मापन वगैरह की जो पद्धति होती है उसे ज्योमेट्री कहते हैं। और जियोइड, जियोइड का मतलब होता है पृथ्वी जितना आकार। तो सौरमंडल का अर्थ होता है हमारे अंतरिक्ष के अंदर सूर्य, सूर्य के आसपास घूमते हुए जो ग्रह हैं वे, उसके आसपास जो उपग्रह घूमते हैं वे, जो कुछ भी हमारे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत, सूर्य के खिंचाव के कारण जो भी पिंड अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, अंतरिक्ष में सूर्य के आसपास घूम रहे हैं, वो सारे मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो पिंड है वो सूर्य है। सूर्य लगभग हमारे सौर मंडल का 99% द्रव्यमान को रोकता है। बाकी 1% में बाकी के जितने भी पिंड है उनका द्रव्यमान आता है। सूर्य हमसे बहुत ज्यादा बड़ा है, इसमें स्वयं की ऊष्मा है। ये एक हीलियम और हाइड्रोजन गैसों का जलता हुआ गोला है, लेकिन फिर भी हमें इसकी इतनी ज्यादा ऊष्मा या ताप ये नहीं लगता है। इसकी वजह है इसका हमसे बहुत ज्यादा दूर होना। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लाइट जो कि प्रकाश है उसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। उसे भी, सूर्य के प्रकाश को भी हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लग जाता है। तो आप सोच सकते हो कि सूर्य हमसे कितना दूर है। अगर हम सूर्य को एक 5 किलोमीटर का क्षेत्रफल माने, स्क्वायर किलोमीटर का एक बड़ा क्षेत्र माने, तो हमारी पृथ्वी उसके सामने मान खाली एक टेनिस के बॉल जितनी होगी, मात्र एक टेनिस के बॉल जितनी। तो सूर्य के आकार के बारे में आप अंदाजा लगा ही सकते हो। इसके बाद में है ग्रह। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि सूर्य के खिंचाव के कारण इसके आसपास जो पिंड घूमते हैं वो ग्रह होते हैं। ग्रह का आकार भी गोल ही होता है, गोल या फिर लगभग गोल। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि लगभग मैंने क्यों बोला। 2006 तक हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, जिसमें बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, गुरु, शनि, फिर अरुण, वरुण और ये प्लूटो, जिनको अगर इंग्लिश में कहे तो हम ऐसे बोल सकते थे मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। लेकिन अगस्त 2006 के अंदर एक रियो डी जेनेरो के अंदर एक सभा हुई थी, जिसमें लगभग 2500 साइंटिस्ट बैठे थे और विचार यही हुआ कि प्लूटो को एक ग्रह माना जाए कि नहीं माना जाए। और उन सबका विचार ये था कि दो नए जो ग्रह खोजे गए थे, प्लूटो का आकार लगभग उतना ही है और ये पूरी तरह गोल भी नहीं है, इसका आकार अंडाकार था। तो उन्होंने ये कुछ हिंट देते हुए इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया और एक बौने ग्रह के रूप में अपना लिया। इस वजह से अब हमारे सौरमंडल में केवल 8 ग्रह हैं। अब कक्षा, जो हमारी पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, ये सारे ग्रह एक निश्चित रास्ते के ऊपर, निश्चित पथ के ऊपर सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा यानी कि दीर्घवृत्ताकार पथ के अंदर चक्कर लगाते हैं। ये जो रास्ता है जिस पर ये चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित रास्ता, निश्चित दूरी बनाते हुए सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाया जाता है, इसे हम कक्षा कहते हैं। यहाँ कक्षा का मतलब हमारी क्लास वगैरह से नहीं होती है। कक्षा का अर्थ होता है वह रास्ता जो सूर्य से एक निश्चित दूरी से जिस रास्ते पर, जिस पथ के ऊपर ग्रह चक्कर लगाते हैं, वो होती है कक्षा। इसके बाद में हम थोड़ा सा ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। सूर्य के जो सबसे नजदीक का ग्रह होता है वो मर्क्यूरी अर्थात बुध ग्रह होता है। बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में मात्र 88 दिवस लगते हैं। इसके बाद में जो शुक्र ग्रह आता है, जो दूसरा सबसे नजदीकी का ग्रह है सूर्य से और हमारा पड़ोसी ग्रह है, इसे हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं और हम इसे
मौसी भी बोलते हैं कई बार, पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका जो आकार है वो लगभग पृथ्वी के समान ही है। इसके बाद में पृथ्वी, पृथ्वी जिसे नीलाग्र भी कहते हैं, और जीवन के लिए हमारे सौरमंडल में केवल जीवन इसी ग्रह पर पाया जाता है। अभी तक और खोज चल रही है, माना जा रहा है कि जो जुपिटर है, गुरु ग्रह है, उसके टाइटन नामक उपग्रह के ऊपर भी जीवन हो सकता है, लेकिन वो सब छोड़ते हैं। पृथ्वी पर जीवन है, इसके ऊपर जल, वायु, पूरा वायुमंडल है, जल है, समतल मैदान है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीजें जीवों के जीने के लिए सुगम बनाती है। पृथ्वी सबसे सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है सौरमंडल के अंदर। इसके पश्चात उपग्रह, हमारे ग्रहों के आसपास भी छोटे छोटे गोलाकार पिंड घूमते हैं, जो ग्रह तो नहीं होते किंतु उनमें ग्रह के बाकी सारे गुण होते हैं, तो इन्हें हम उपग्रह कहेंगे। हमारा चंद्रमा भी एक उपग्रह है। उपग्रह सूर्य के चक्कर नहीं लगाते, ये ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है। सौरमंडल के अंदर केवल सूर्य ही है जो सभी ग्रहों के ऊपर ऊष्मा का स्रोत है, ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत केवल सूर्य है हमारे सौरमंडल में, और किसी के पास खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अंतरिक्ष के अंदर हमारी पृथ्वी का केवल मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है, लेकिन मनुष्य विविध अध्ययन के लिए या टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, कुछ मानव निर्मित उपग्रह यानी मनुष्य द्वारा बनाए गए उपग्रह भी भेजता रहता है। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, जबकि बाकी के लगभग 6,000 मानव निर्मित उपग्रह भी पृथ्वी के चारों ओर फिलहाल घूम रहे हैं, जिनमें भारत के कुछ उपग्रह जिसमें इनसेट, IRS, एडोसेट ये प्रमुख है। क्षुद्र ग्रह हमारा अगला टॉपिक है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह वास्तव में ग्रहों के ही पार्ट माने जाते हैं, ग्रहों का ही वह एक भाग माना जाता है। माना जाता है कि ग्रहों का जब निर्माण हुआ था, तब ग्रहों के कुछ टुकड़े टूटकर बिखर गए थे जो इनके आसपास चक्कर काटते हैं। ये बड़ी उल्कापिंडी जैसे, पत्थर वगैरह जैसे भी दिखाई देते हैं, ये ग्रहों के एक टुकड़े ही होते हैं। क्षुद्र ग्रहों की एक लंबी बेल्ट, बेल्ट कहेंगे, जिसमें अरबों खरबों क्षुद्र ग्रह, मंगल और गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह के बीच में घूमते हैं। इसके बीच में एक पूरी बेल्ट जैसी रचना है। इसके बाद में उल्कापिंड, उल्कापिंड बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और ये कई बार कुछ उल्कापिंडे वहां से गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल में अपनी गति बढ़ाकर इनके इनके ऊपर इतना बल आ जाता है कि ये उस गुरुत्वाकर्षण से दूर हटकर कई बार ये ग्रहों की तरफ गति करने लग जाती है, जिसमें से कई बार कुछ उल्कापिंडे हमारी पृथ्वी की तरफ भी आ जाती है, और इससे हमें क्षति नहीं पहुंचती है क्योंकि हमारी पृथ्वी इसके गोल घूमने के कारण, इसके घर्षण बल के कारण, जब ये उल्कापिंड हमारे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं तो ये घर्षण बल के कारण जल जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर और फिर हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ उल्कापिंडे बिना टूटे, बिना जले, बिना टूटे सीधी हमारी पृथ्वी पर आ जाती हैं, जो कि एक बहुत गहरा और बहुत बड़ा गड्ढा भी करती हैं। तो ये उल्कापिंड। इसके बाद में हमारा है आकाशगंगा। ये पूरा पूरा सौरमंडल, जिस प्रकार हमारे उपग्रह हमारे ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, हमारे ग्रह हमारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसी प्रकार पूरा का पूरा सौरमंडल भी आकाशगंगा के चक्कर लगाता है। आकाशगंगा आपने रात में देखा होगा कि आसमान में एक सफेद, एक लंबी सी पट्टी सी दिखाई देती है, वो दरअसल एक आकाशगंगा ही है। हमारा सौरमंडल मिल्की वे नामक एक आकाशगंगा का पार्ट है। इसे मिल्की वे अर्थात दूध का रास्ता, ये इसके सफेद रंग की वजह से इसका नाम पड़ा है, और आकाशगंगा नाम इस वजह से पड़ा है क्योंकि पुराने समय में इसे ताराओं की, कई सारे ताराओं की गंगा अर्थात नदियों से इसकी तुलना की गई थी, इस पट्टे की नदी से तुलना की गई थी, इसलिए इसका नाम हमारे भारतीय समाज में आकाशगंगा पड़ा था प्राचीन समय में। अंतरिक्ष या फिर ये जो खगोल विज्ञान है, इसके बारे में जो भी अध्ययन करता है, जो वैज्ञानिक इनके बारे में हमें बताता है, इनको खगोल शास्त्री कहा जाता है। हमारे पुराने समय में आर्यभट्ट नाम के एक भारतीय जो कि बहुत प्रसिद्ध खगोलविद हुए थे। चंद्रमा पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग नामक व्यक्ति ने 21 जुलाई
1969 को सबसे पहली बार कदम रखा था, और हमारे जो भारत से सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, जो कि रशिया के एक सुयोज T-11 नामक अंतरिक्ष यान से गए थे अंतरिक्ष में, वो वहां पर 8 दिन बिताकर आए थे। जब उनसे उस समय की जो प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी, उन्होंने जब उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा। तो आज के हमारे इस चैप्टर में सौरमंडल की पृथ्वी, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, ये यहीं पर कंप्लीट होता है, और इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। नमस्कार।